अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्कुलर लिंक लिस्ट। पिछली जो हमने लेक्चर की वीडियो थी उसके अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो हमने लिंक लिस्ट को डिस्कस किया था। लिंक लिस्ट के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया था कि लिंक लिस्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके अंदर जो है वो डाटा की इंसर्शन डिलीशन जो है वो कैसे होगी या हम उसके अंदर जो है वो कितने पार्ट होंगे। अच्छा, ये इन इस सीरीज के अंदर जो है ये इन क्लासेस के अंदर ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको मैं जो है वो इन डाटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। आगे जो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपको बताऊंगा, इसकी जो है वो मैं आपको प्रोग्राम्स जो है वो बना के उसको हम एग्जीक्यूट भी करेंगे कि किस तरीके से जो है ये जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, इनको हम कैसे जो है इनके अंदर इंसर्शन डिलीशन जो है वो करवा सकते हैं, वो मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है उसको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था लिंक लिस्ट के हवाले से, उसके अंदर जो हमने डिस्कशन की थी उसको मैंने उसके अंदर जो है वो कुछ जो है वो खामियां थी, उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे। एक दो ड्रॉबैक था उसके अंदर, एक तो जो है वो उसको हम कहेंगे कि वो सिंगल लिंक लिस्ट है, ठीक है। एक तो हमने उसको कहना है कि वो सिंगली लिंक लिस्ट है, सही हो गया। दूसरा जो है उसको हम लीनियर लिंक लिस्ट भी कह सकते हैं, लीनियर लिंक्ड लिस्ट भी कह सकते हैं, सही हो गया। उसके अंदर जो है वो डिसएडवांटेज जो था वो ये था कि जब हम जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये नोड है मेरे पास तीन, तो इसके अंदर मैंने डिस्कस भी की थी कि एक जो है वो डाटा पार्ट है, एक जो है उसके अंदर हम नेक्स्ट जो हमारा नोड है उसके उसका एड्रेस जो हम इसके अंदर स्टोर रखते हैं, और लास्ट में जो हमने कहा था कि एक नल पॉइंटर या नल एड्रेस है। अब एक तो ये था ये लीनियर बिहेव कर रही थी, इसके ऊपर मैंने आपसे डिस्कशन की थी अरेज, और जब इसका लिंक लिस्ट का मैंने कंपैरिजन किया था मैंने आपको बताया था कि इंसर्शन और डिलीशन के वक्त जो है वो ये क्या करती है, लीनियर बिहेव करती है। जब ये लीनियर बिहेव करेगी तो इसका मतलब ये है कि ये डाटा जो है स्टोर इसका इस लीनियर फॉर्मेट के अंदर होगा। अगर फॉर एग्जांपल जो मुझे ट्रैवर्सिंग करनी है तो वो मैंने कहा था कि ये डायनामिक बिहेव करती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ट्रैवर्सिंग या सर्चिंग के लिए जाए हम इसको रिवर्स नहीं लेके आ सकते, ये इसके अंदर प्रॉब्लम है इस सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर। इसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट भी कह सकते हैं और लीनियर लिंक लिस्ट भी कह सकते हैं। इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम इसको जो है यहाँ से रिवर्स करके जो है वो अगर मैंने ये इस जो है वो पोर्शन के अंदर कुछ अपडेशन करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए, इस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए सर्कुलर लिंक लिस्ट का जो है वो हमने एक कॉन्सेप्ट लिया। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट को यूज़ करते हुए इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया कि हम कैसे दोबारा इसके ऊपर आके चीज़ को रिप्लेस कर सकेंगे, ट्रैवर्सिंग करा सकेंगे, या कोई किसी चीज़ की जो है अगर हम एलिमेंट जो है उसको रिप्लेस कराना चाह रहे हैं। अब जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसके अंदर होगा क्या, उसके अंदर ये होगा कि ये अगर हमारे पास जो है वो एक लिंक लिस्ट है, मैं कहता हूँ इसके हमारे पास फोर नोड्स हैं, अगर ये थ्री और ये फोर नोड्स, इसके अंदर हमने देख लिए डाटा पार्ट क्या था और हमारा जो है वो एड्रेस पार्ट क्या था नेक्स्ट जो है वो नोड की। अब यहाँ पे जब हमने सिंगल लिंक लिस्ट देखी थी तो मैंने कहा था कि अगर इनफिनाइट नंबर्स ऑफ एन नंबर ऑफ हमारे पास नोड्स हों तो आखिर कहीं ना कहीं पे जाके वो रुकेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास नल पॉइंट ज़रूर होगा। तो इसमें जो सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट है, सर्कुलर सॉरी लिंक लिस्ट का जो कंसेप्ट है, इसके अंदर सेम सर्कुलर क्यू की तरह है, हम इस लास्ट नोड को क्या कर देंगे, रीकनेक्ट करवा देंगे किसके साथ, फर्स्ट नोड के साथ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगा।
अब यहाँ पे जो लास्ट हमारे पास जो पॉइंटर जो लास्ट नोड होगा इसके अंदर नल पॉइंटर की बजाय या नल ऑपरेटर या नल एड्रेस की बजाय हमारे पास इस फर्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस हम डाल देंगे। अब जो है वो इसके ज़रिए हम क्या कर सकेंगे, दोबारा से वापस आके दोबारा से जो है वो किसी भी नोड को एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास इसका एड्रेस जो है वो 100 था, इसका 200 था, इसका 300 और इसका 400 मेमोरी के अंदर। अगर मैं कहता हूँ कि इसका जो है वो सेकंड पॉइंटर के लिए 200 यहाँ पे होगा कि इस नोड का एड्रेस जो है वो यहाँ पे होगा और इस नोड के अंदर इसका एड्रेस होगा 300 और इसके अंदर 400 होगा। और जब हमने सिंगल लिंक लिस्ट बनाई थी उसके अंदर हमने क्या कहा था कि यहाँ पे इसको हम नल पॉइंटर लगा देंगे, लेकिन अब जब सर्कुलर बन गया तो हम क्या करेंगे, अब हम ये जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो हम लास्ट नोड के इस एड्रेस पॉइंटर के अंदर रख देंगे 100। क्या आप दोबारा जो है ये यहाँ पे इसके पास वापस आ जाएगी और क्या कर लेगी, दोबारा हम यहाँ से आगे जाते हुए इसमें से कोई भी एलिमेंट या कोई भी नोड जो है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस करके हम डाटा को जो है वो जो रिप्लेस कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि हम स्पेशल एक पॉइंटर लेके स्पेशल पर्पस पॉइंटर लेके उसके अंदर जो हम क्या करेंगे एड्रेस को सेव करवा के इसको स्टार्ट करा देंगे कि यहाँ से जो है वो हमारी मेमोरी स्टार्ट हो रही है। अच्छा यहाँ पे जो है वो एक और बात जो है वो जहन में आती है कि सर्कुलर क्यू के अंदर एक मसला आ जाता है हमें। अगर जो है मैं कहूँ कि मेमोरी के अंदर जो है वो कहीं पे ये 100 है या 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो अगर जो है वो कोई किसी एड्रेस को मैंने फेच कराना हो तो या किसी एलिमेंट को मैंने फेच कराना तो ये वापस आके ऐसे घूमती रहेगी, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा फर्स्ट नोड कौन सा है और लास्ट नोड कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरा फर्स्ट नोड ये है, ठीक है, उसे कैसा पता चलेगा कि मेरा ये वाला फर्स्ट नोड है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फर्स्ट नोड ये है, तो कैसे हम सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर ये चीज़ जो है वो ओवरकम करेंगे कि हमें साफ जाहिर है बताना तो पड़ेगा, हम एड्रेस से भी उसको नहीं हम कह सकते हैं कि 100 पे हमारा जो है वो फोर्थ नोड है, तो इस तरीके से भी कनेक्ट हो सकता है ना, तो ये इनफिनाइट लूप जो है वो हमारे पास क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक हेडर नोड बना लेंगे, HEADER हेडर नोड, एक हेडर नोड बना लेंगे। हेडर नोड का मतलब ये होता है, अच्छा इसको हम दो तरीकों से जो है वो क्या कर सकते हैं ओवरकम कर सकते हैं। एक तो या तो मैं इसके लिए कोई एक फ्लैग सेट करूं जिसके अंदर जो है वो मैं कोई पॉइंटर जो है वो इनिशियलाइज कराऊं, उससे जो है फिर इस एड्रेस की जो है इस पॉइंटर से पॉइंटर एड्रेस के थ्रू इसका एड्रेस उठा के जो है वो उसको स्टोर कर दूं। ये थोड़ा लेंथी और हेक्टिक जो है वो प्रोसेस है, इस तरीके से जो है मैं कैसे वहाँ पे स्टोर करूँगा। इस हेक्टिक प्रोसेस से बचने के लिए जो है वो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा तरीका होता है जिसे हम हेडर नोड बोलते हैं। हेडर नोड से मुराद ये होता है कि आप जो है वो कोई एक नोड के ऊपर निशानी लगा दें कि मेरा जो है वो स्टार्टिंग नोड जो है वो ये है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ इस तरह की ABC, अगर मैं इस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो मैं इस हेडर नोड के अंदर इससे डिफरेंट वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, मतलब -1, ठीक है, इस तरह की कोई निशानी, इस तरह -1 या इस तरह की कोई इस जो सीरीज वाली वैल्यूज हैं ABC इस तरह के एलिमेंट्स, इससे जो है वो मैं डिफरेंट हट के जो है वो क्या कर दी वैल्यू मैंने इसके अंदर स्टोर करा दी। अब ये मेरी इसके ऊपर क्या लग गई निशानी लग गई कि ये जो है वो मेरा हेडर नोड है और यहाँ से जो है वो मेरी क्या हो रही है लिंक लिस्ट जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो मैं फिर क्या करूँगा, जब भी मैं यहाँ से अगर फिर इसको रिवर्स करूँगा और चीज़ों को जो है वो मैंने मैनिपुलेट करना हो, तो जब मैं इस -1 को इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वैल्यू रखवाई तो मुझे यहीं से पता चल जाएगा अगर ये वाला नोड यहाँ पे हो या बेशक यहाँ पे हो या यहाँ पे हो कहीं पे भी हो तो मुझे इसकी यूनिक वैल्यू से पता चल जाएगा कि ये मेरा हेडर नोड है, यहाँ से जो है वो मेरी लिंक लिस्ट जो है वो स्टार्ट हो रही है। अच्छा इसके जो है वो अब कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उनको भी हम क्या कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर जो है वो कुछ जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं।
जो हमारी पहली सिंगल लिंक लिस्ट थी, जिसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट कहा, उसके अंदर जो है वो डिसएडवांटेजेस थे, उनको इस सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर हमने ओवरकम कर लिया। एक तो इसके अंदर जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, उसे हम ये कहेंगे कि वी कैन गो टू एनी नोड, वी कैन गो टू एनी नोड। है इसके अंदर भी मसला, इसके अंदर भी हम यहाँ से अगर इस नोड के ऊपर हों तो रिवर्स नहीं हो सकते। जब मैं डबली लिंक लिस्ट आपको पढ़ाऊंगा आने वाले लेक्चर के अंदर, जब हम डबली लिंक लिस्ट के ऊपर जो है वो चीज़ें शिफ्ट करेंगे या वो उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ का वाला भी एरर जो है वहाँ पर ओवरकम होगा। अभी अगर मैंने इस नोड के ऊपर मूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है वो एक सर्कुलर लेके दोबारा से जो है वो हर नोड को एक्सेस करते हुए मैं इस नोड के ऊपर वापस पहुंचूंगा। अगर मेरा पॉइंटर यहाँ पे ठहरा हुआ है, मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला नोड एक्सेस करना है, तो देन मुझे यहाँ से ये फिर वापस आके पहला नोड दूसरा नोड एक्सेस करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊँगा। लेकिन जो है वो मुझे क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है वो बहुत सारे नोड्स को जो है वो एक्सेस करें। ये तो अभी मैंने आपको 4 नोड्स बताया ना, एन नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं, 10, 20, 30, 50, 100, 200, कुछ भी नोड्स हो सकते हैं, तो वो हर नोड को एक्सेस करके जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका जो है हम कह सकते हैं कि इसका डिसएडवांटेज जो है, हम वी कैन गो टू एनी नोड, जा तो सकते हैं, नॉट इजी टू रिवर्स, इसका ये एक डिसएडवांटेज है, नॉट इजी टू रिवर्स। रिवर्स हो सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन इजी नहीं है। इसके अंदर हमें तमाम जो है वो एलिमेंट्स या तमाम नोड्स को जो है वो एक्सेस करते हुए जाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हम सेव द टाइम टू, सेव द टाइम टू गो फर्स्ट टू लास्ट नोड। अब इसके अंदर मतलब ये दूसरा पॉइंट का पर्पज ये है कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं, सेव द टाइम टू गो द फर्स्ट टू लास्ट नोड। वो जो सिंगली लिंक लिस्ट हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जा हम उसके अंदर भी सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ट्रैवर्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन इसके अंदर जो हम लास्ट से फर्स्ट के ऊपर जो है वो सर्कल के थ्रू जो है फिर एलिमेंट्स को एक्सेस करते हुए पहुंच सकते हैं। इसके अंदर जो हम टाइम को जो है वो सेव कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज है, जहाँ पे हम टाइम को सेव कर सकेंगे तो वहाँ पे ये जो है मे गो टू इन्फिनाइट लूप। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई हेडर नोड बनाना भूल गए, अगर हम एक स्पेशल पॉइंटर क्रिएट करके उसके एड्रेस को स्टोर कराना भूल गए, तो उसके ऊपर हमारा फिर टाइम सेव नहीं होगा, तो फिर वो जो है वो सर्कुलर के अंदर जो है वो इनफिनाइट लूप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और बार बार जो है वो घूमता रहेगा। उसे समझ ही नहीं आएगी कि मेरा फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे है और मैंने कहाँ से उसको स्टार्ट करना है और कहाँ पे उसको एंड करना है, कहाँ से इंसर्शन करनी है, तो वो उसको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो हेडर नोड या हम जो है हेडर पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर जो है वो बनाए बगैर इस सर्कुलर लिंक लिस्ट को जो है वो जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। थर्ड इसका जो एडवांटेज है वो है ऑल नोड्स कंटिन्यूस वैलिड एड्रेस, ऑल नोड्स कंटेन्स अ वैलिड एड्रेस। ये इसका जो है वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि तमाम नोड्स जो है उनके पास कोई ना कोई वैलिड एड्रेस होता है। जैसा कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर देखा था कि लास्ट वाले हम जो है वो पॉइंटर के ऊपर क्या करते थे कि उसके अंदर जो है वो नल पॉइंटर बना देते थे, लास्ट वाले नोड के अंदर, सॉरी, ठीक है, लास्ट वाले नोड के अंदर जो है हम नल पॉइंटर बना देते थे और उसको वहीं पर ख़त्म कर देते थे। लेकिन अब जो है ये वाला डिसएडवांटेज भी हमने इसके अंदर ओवरकम कर लिया कि हम इसके अंदर जो है वो भी एक वैलिड एड्रेस स्टोर करवा देते हैं, और वैलिड एड्रेस स्टोर कराने के बाद हम क्या करते हैं उसको जो है वो सर्कुलर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और वो
फिर सर्कुलर से कन्वर्ट होने के बाद पहली नोड के ऊपर वापस चला जाता है, और फिर वहाँ से जो है हमें अपने मतलूबा नोड्स को जो है वो हम सर्च करके उसके ऊपर जो भी हमने प्रोसेसिंग करनी होती है उसके ऊपर हम प्रोसेस करते हैं। तो उम्मीद काफ़ी है आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट का कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी एम्बिगिटी है तो आप ग्रुप के अंदर जो है वो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा। आने वाले लेक्चर्स के अंदर डब्ली लिंक लिस्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डब्ली लिंक लिस्ट को डिस्कस करने के बाद जो है वो मैं प्रोग्रामिंग की तरफ मूव होऊंगा, और आपको जो है वो स्टैक, क्यू और अरेज जो है हमने ये जो सर्कुलर लिंक लिस्ट, क्यू, सर्कुलर क्यू, ये जितने भी डाटा स्ट्रक्चर हमने जो है वो इम्प्लीमेंट किए हैं, सॉरी डिस्कस किए हैं, इनके कॉन्सेप्ट देखे हैं, इनको जो है वो मैं आपको प्रोग्रामिंग के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। उम्मीद काफ़ी है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस सीरीज से आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बरवक्त मिलती रहें। अगली वीडियो के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।